हेलो गाइस, कैसे कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल वेल एंड सेफ. आप लोग घर पे होंगे. सो गाइज, ये वाला व्लॉग होने वाला है Q&A व्लॉग. जो आप लोग ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टा पे, जो मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी लगाई थी, तो उनके आंसर मैं अब इस व्लॉग में दूंगी. सो मेरे साथ है दीपांशु गुप्ता. सो अब ये मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे. पूछो. क्यों पूछो? पूछ लेता हूं. चलते हैं आगे. सो पहला क्वेश्चन गुनगुन आपका ये था, बताओगे ना? हाँ, तो आपकी एज क्या है? एज बताइए आप. माय एज इज 16, 17 सून, नेक्स्ट मंथ. अच्छा, व्हेन? जून में. जून में डेट तो बताओ. नेक्स्ट मंथ 20 जून. पता है लोगों को? लोगों पता है, मुझे बताया नहीं थी. तो ऐसा है, गुनगुन से पूछा गया आप कहाँ रहते हो. ठीक है, तो गुनगुन आप कहाँ रहते हो? मैं यार ऐसे पूछोगे? तो कैसे पूछो? सबको मैंने लाइव में ही बताया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ. ठीक है. सो एक क्वेश्चन किसी का था कि व्हाई आर यू सो क्यूट. अपनी तारीफ अपने मुंह से कर लूँ मैं, मुझे क्या पता क्यूट. तो मैं करूँ? और नहीं तो भाई अभी गलत है, क्यूट व्यूट नहीं है. छोड़ो, बताओ आंसर दो. इसका आंसर कैसे दू मैं कि मैं क्यूट कैसे हूँ? नेक्स्ट पूछो. मैं नहीं पूछ रहा, पहले आप बताओ. अरे इसका आंसर कौन देता है? बाकी पूछा गया है कि गुनगुन आप लाइव कब आओगे? अब आऊंगी, जल्दी आऊंगी मैं लाइव. जब भी आऊंगी आप लोगों को पहली मैसेज कर दूंगी. मतलब मैसेज नहीं, सॉरी, अरे काट देना. ठीक है, जब भी आऊंगी तो मैं एक दिन पहले स्टोरी लगा के आती हूँ. अच्छा, तो गुनगुन आएगी लाइव एक दिन पहले स्टोरी लगा के. बट ऐसा करते हैं, हम जिस दिन ये व्लॉग अपलोड होएगा ना, उसके नेक्स्ट डे हम गुनगुन लाइव बुलाते हैं. ठीक है? अरे कहना क्या चाहते हो? Okay. ये बुलाएंगे लाइव. इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? तो गुनगुन ऐसा है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कौन सी क्लास में हो आप? मैं 12th में हूँ, आज मेरी 12th चल रही है. 12th चल रही है आपकी? इतना कोई नहीं एकदम सारे क्वेश्चन रिपीट कर रही है. तो गुनगुन से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि गुनगुन आप पबजी खेलते हो? नहीं, पबजी बिल्कुल भी नहीं. इसको मैंने बोला है भाई खेल लिया कर, मेरे स्क्वाड में आ जा, बट इसको इंटरेस्ट नहीं. मतलब जो चीज मेरे को बिल्कुल आती ही नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कैसे खेलूं? जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन गुनगुन आपका ये था कि किसी ने आपसे ये पूछा था कि फेमस होने के बाद आपके पास इतना टाइम है कि अपने फैंस को आप टाइम दे सको, बात कर सको उनसे? सो ऐसा टाइम की कोई वो नहीं है. अभी क्या होता है कि मेरा ना, मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और मेरे पेपर भी आने वाले हैं. सो जितना मेरे से हो सकता है मैं उन लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ. टाइम है मेरे पास फैंस के लिए. अभी मेरी छुट्टियां पड़ जाएंगी स्कूल की, तो मैं इंस्टा पे लगी रहूंगी. रिप्लाई करती रहूंगी आप लोगों का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट मैंने बताया था, ऐसे मेरा कोई फेवरेट नहीं होता है. हाँ. मेरे चेंज होते रहते हैं. अच्छा. अभी इस टाइम पे मैं ज्यादा सॉन्ग नहीं सुनती, मेरे को पता नहीं कौन सा है. मतलब है इस टाइम है कौन सा फेवरेट, आपको बताओ ना फिर. सॉन्ग मेरा फेवरेट? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. ऐसे कोई फेवरेट नहीं है. आप ये सोच लो कि जितने भी अरिजीत सिंह है वो सारे मेरे फेवरेट है. सारे फेवरेट है. अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है कि गुनगुन आप हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं? इसे हेयर स्टाइल कहते हैं? मैं कुछ नहीं करती, ऐसे नॉर्मली पोनी करती हूँ और इसको ना ऐसे पुल करती रहती हूँ, बस बन जाता है, लग जाता है. सही, ऐसे ही बनता है. कैसे? नेक्स्ट लोग आप बताना कैसे बनाते हो. ठीक है, सिखा देना उनको एक बार. मैं सच में कुछ भी नहीं करती हूँ. आप लोग जितनी भी, मतलब गर्ल्स नहीं, किसी लड़की गर्ल्स ही ऐसे क्वेश्चन पूछती है. सो नॉर्मली पोनी बनाती हूँ और उसको ऐसे आगे से पुल कर लेती हूँ, पफ लगता है थोड़ा, और ये फ्लिक्स निकाल लो बस, और कुछ भी नहीं होता है. बस हो गया. और मेरे को यही आता है, मतलब यही ढंग का लग जाता है फेस. ऐसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड? अभी क्या खाया था मैंने? अभी क्या खाया था? खाना मम्मी ने जो बनाया था. ऐसे में बाहर का ज्यादा मेरे छोले अच्छे, मेरे को मेरी मम्मी के हाथ के छोले अच्छे लगते हैं. ऐसे मैं बाहर का ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, बहुत कम. सच्चाई बता रही हूँ. झूठ बोल रही है यार, झूठ बोल रही.
सही में बाहर का बहुत कम खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सब कुछ बना लेती हूँ अपने घर में। मैं बनाती हूँ, सुबह से पूछना। ठीक है, ठीक है, बनाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आई हैव 3 सिबलिंग्स, 2 ब्रदर, एक मैं हूँ सबसे छोटी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या था क्यों बताऊँ? ठीक है, बहुत पिटते हैं मेरे हाथों से। तो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन गुनगुन का ये है, गुनगुन का क्रश कौन है? यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो यार। मेरा क्रश सबको पता है, मेरा कोई भी क्रश नहीं है। मेरे को ऐसा मतलब कैसे बताऊं, कोई अच्छा नहीं लगता है। ऐसे नहीं अच्छा लगता कोई हमेशा अच्छा लग जाए, ऐसा कोई क्रश नहीं है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हीरो वगैरह अच्छे लगते हैं, सपोज ऐसे हो गया अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत जहर होती है। ठीक है, ओहो टैग कर देंगे, ठीक है सर को हम टैग कर देंगे। अक्षय कुमार सर। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका निकनेम क्या है? गुनगुन का निकनेम, इसके बहुत सारे निकनेम है भाई। ऐसे मेरा कोई निकनेम नहीं है, मतलब गुनगुन ही बोलते हैं मम्मी डैडी, तो ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। मेरा भाई हो गया, मेरा भाई मेरे को गुन्नी बोल देते हैं, गुन्नी, और मैं बोलता हूँ गुन्नू, और मेरे चाचू बोल देते हैं गुन्नू, वरना ऐसे कुछ निकनेम नहीं है, गुन्नी और गुन्नू बस। मेरी मासी भी वही बोलती है। बाकी आप लोग जो निकनेम रखोगे वो हम इसको दे देंगे गिफ्ट में, इसका बर्थडे भी आ रहा है ना, उसको हम गिफ्ट में दे देंगे। ठीक है, फेवरेट मूवमेंट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गुनगुन, किसी ने ये पूछा है कि आपका फेवरेट मूवमेंट्स कहाँ रहा, कैसे रहा, कुछ बताओ। सो मेरा एज ए फेवरेट मोमेंट यही है, मतलब इतना प्यार मेरे को आज तक नहीं मिला, मतलब फैमिली का मिला है। मतलब फेवरेट मोमेंट मेरा यही है कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हो। मैंने कभी भी सच में ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा मेरी लाइफ में, और लोग बोलते हैं कि किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंस्टा पे कितनी आईडी और कहाँ कहाँ है आपकी? सो गाइस, सबसे हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंस्टा पे मेरी एक ही आईडी है, गुनगुन गुप्ता 137, जो कि मतलब फेक बहुत सारी बनी है। और प्लेटफॉर्म में दो ही यूज करती हूँ, एक इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब। बाकी आपको कहीं पे भी मेरी कुछ भी दिखे वो सब फेक होता है, फेसबुक पे, मौज पे, टकाटक पे, कुछ भी हो। ठीक है, तो गुनगुन की सिर्फ एक ही आईडी है, ऑफिशियल अकाउंट यही है गुनगुन गुप्ता 137, जिसमें फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अभी और बाकी एक यूट्यूब चैनल आपके आगे आ चुका है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे गुनगुन कहीं पे नहीं है, ठीक है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना स्नैपचैट पे, ओनली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ठीक है, सो गाइस ये ऐसे लगते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ इनकी, मतलब कभी भी कैमरे के पीछे ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ कैमरे के सामने इतनी ओवर एक्टिंग कर मतलब देखो ऐसे बेइज्जती होती है भाई। मैं तो कैमरे के पीछे भी हंसती हूँ, सामने भी हंसती हूँ। अच्छा, मैं कैमरे के पीछे रोता हूँ, कैमरे के सामने हंसता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। गाइस मेरे पिंपल आता है, सॉरी पिंपल नहीं, डलेगा ये भी आएगा। तो मेरे यहाँ डिम्पल पड़ता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि गुनगुन कुछ बताना चाह रही है, गुनगुन बताओ क्या कह रहे हो आप? सो गाइस मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि आपको व्लॉग बनाना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सजेशन करते हैं लोग। तो अभी ना थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, और अभी मेरे पेपर भी आने वाले हैं। थोड़ा मतलब बर्डन रहता है माइंड में कि वीडियो पे ध्यान दूं कि अपने स्टडी पे ध्यान दूं। तो मैं अभी दोनों को उसको करके चल रही हूँ। नॉर्मली मैं अपनी वीडियोस बना लेती हूँ, अभी ये व्लॉग बना रही हूँ, और रात को मैं अपना जो भी मेरा स्कूल का होता है, मेरे को जो भी काम मिलता है, लर्न करना होता है, वो कर लेती हूँ। छोटी है ना अभी, तो थोड़ी इसकी पढ़ाई वढ़ाई भी है। हाँ, तो इसलिए हो जाता है। लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट करते हो, तो मैं इतना टाइम है मेरे पास कि मैं आप लोगों का अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। ये मक्की कहाँ जा रही? कोई नहीं ना। ठीक है, तो और कुछ बोलना चाहोगे अपने फैंस के लिए आप, कि आपको इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सपोर्ट किया आपको? ठीक है, तो और कुछ बोलना चाहोगे आप? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि मतलब बहुत, अभी मेरे को कितना टाइम हुआ है बनाए हुए वीडियोस, दो महीने और कुछ और दिन भी हो गए, 2.5 महीने हो गए ऑलमोस्ट। 2.5 महीने में मतलब मुझे इतना प्यार मिला है,
तो जैसे कि मैं टिकटॉक का इंसिडेंट बताती हूँ, टिकटॉक में क्या हुआ था कि ना मेरे घर से बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि मैं अपनी वीडियोस डालूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपनी वीडियोस वगैरह डालूं। मतलब बहुत पहले से मैं टिकटॉक बनाती थी, लेकिन ऐसा होता था मैं कभी भी मतलब व्हाट्सएप पे लगा देती थी ऐसे, फिर भी घर में बोलते थे कि नहीं लगाना नहीं है, ये है वो, फिर भी मैं व्हाट्सएप पे लगा देती थी कैसे भी करके, एंड सो बिल्कुल भी मैं डालती नहीं थी। सो मैंने क्या, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने मतलब सारे मेरे को रिलेटिव भी बोलते थे, जब जो जो लोग वीडियोस देखते थे ऐसे कहते थे कि गुनगुन डालती क्यों नहीं है वीडियोस, इतनी अच्छी बनाती है वगैरह वगैरह जो भी। सो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की, मतलब बहुत बाद में मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की, बिल्कुल एंड में जब टिकटॉक बैन हो गया था और उसके एक महीने पहले ही मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की थी। तो मैंने जब मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की तो टिकटॉक का रिस्पॉन्स भी मेरे लिए अच्छा आया था, मतलब मेरे एक महीने में हुए थे, मतलब एक महीने में मेरे, जब मैं डालती थी तो कुछ भी नहीं था, जब मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की तो मेरे एक महीने तो मेरे हो गए थे, जब टिकटॉक बैन हुआ तो मेरे 16,500 हो गए थे, ठीक है, मेरे 16 के फॉलोवर्स हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने एक और, मतलब उसी के बाद उसके अगले दिन न्यूज आई कि टिकटॉक बैन हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस मैं ये कह रही थी अब आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा वीडियोस देखने में, क्योंकि मेरा एल्बम भी आ रहा है सोना आफ्टर लॉकडाउन, सोना माही चनवरगा, सॉन्ग का नेम है ये, सॉन्ग का नेम है सोना माही चनवरगा, ये सॉन्ग का नेम है, ये आफ्टर लॉकडाउन आएगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और डेट आगे बढ़ गई है, बल्कि नेक्स्ट व्लॉग आएगा जिसमें आपको बताया था मैंने कि मेरी पूरी जर्नी बताऊंगी अपनी, कैसे क्या हुआ है। ओके ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, आपको पसंद आया और आप लोगों को हंसी आई हम लोगों की वजह से, सो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।